जिंदगी बिल्कुल इन बर्फ के रेशों की तरह ही तो है, पल भर के लिए ठहरती है और पिघल जाती है, पर कम वक्त जितनी देर रहती है बड़ी खूबसूरत लगती है। मगर इसे हर हाल जाना ही तो है, कोई गिला नहीं जिंदगी से मुझे, लेकिन इस तरह पल पल मरने से तो बेहतर है एक पल मर जाऊं। मैं बलदेव सिंह चौधरी अपने होश हवास में आज अपनी जिंदगी देने का फैसला कर रहा हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कितने फोन किए मैंने, हाँ कहाँ कहाँ ढूंढा तेरे को मैं तो। सारी रात तू यहीं बैठा रहा क्या? मैं तो घबरा गया था, कहीं तू। मैं अपनी जान ना दे दूँ। अपने दोस्त के बारे में इतना ही जानते हो? मैं अपने दोस्त को जानता हूं कि जिंदगी के हर मुश्किल का सामना वो सीना तान कर करता है और हमेशा कहता है कि फाइट दिस लाइफ विद योर ग्लव्स ऑन। हिट इट बिफोर इट हिट्स यू बैक। मारो साली जिंदगी को, वरना ये मार देंगे। पर मैं ये भी जानता हूं कि आखिर मेरा दोस्त है एक इंसान भी है, और इस समय जिस हालात में जिस दौर से वो गुजर रहा है। क्या, किस दौर से गुजर रहा हूँ यार? फिक्र मत कर, सब ठीक कर लूंगा। आज जा रहा हूं मैं, बाबा के दर्शन करने जा रहा हूं। आज सुलह कर ही लूंगा उससे, ताकि यहां भी सब ठीक हो जाए और ऊपर भी सब ठीक हो जाए। अब तुम कुछ गलत मत समझ लेना, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं। गुरुद्वारे तो मस्जिद जाओगे ना? अलमिया से दुआ करना, सब ठीक करेगा वो, सब ठीक हो जाएगा। किस्मत ने न साथ दिता, अगर मुझे बलदेव के इरादों का पता होता तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता, रोक देता। ये किस्मत, डेस्टिनी अजीब होती है। ओलंपिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर भी बलदेव जिंदगी भर नाकाम रहा, मगर फिर भी उसने जिंदगी को जीना नहीं छोड़ा। वक्त की रफ्तार के साथ कदम मिलाकर चलना उसकी फितरत थी। उसने जिंदगी में अगर कुछ कमाया था तो सिर्फ अपने।
ख्याल है? मैंने आपसे मिलने के लिए आना है। आ जाना जब जी चाहे आ जाना। अच्छा जी। आजा आजा शाबाश 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 शाबाश। वो तेरी दादी कहाँ है? मतलब बड़ी मम्मी? बड़ी मम्मी नहीं, उसको दादी बोला कर बूढ़ी हो गई है वो। मेरी दादी बूढ़ी नहीं है। अच्छा कहाँ है वो 17 बरस की? नानक गरीब ते रूठा हो जरूर हूँ, लेकिन आज तो कुछ मांगने आया हूँ। क्या? के रावी हर जन्म में मेरी बन के रहे। तुम्हारी बहुत सुनता है ना ये, तुम भी यही मांगा करो। ना मैंने नहीं मांगना। हाँ मैंने कौन सा सुख दिया है तुम्हें? बस करो जी, कुछ भी कहंदे हो। इतना सुख मिला है कि मैं तो चाहती हूँ यही जन्म कभी खत्म ना हो और मैं ऐसे ही आपके साथ रहूं हमेशा हमेशा। मुल्ला साहब कहिए कैसे आना हुआ? अरे आप ही ने बुलाया था ना। मैंने? मेरी बहना चाचा जी। मैंने तो नहीं बुलाया आपको। नहीं बुलाया तो फिर हमने बुलाया होगा। ओ बैठो जी बैठो।
और जा भाई पाजी वास्ते नाश्ते का इंतजाम कर, चल जल्दी कर। मुल्लर साहब, वैसे तो ये आप ही का घर है, ऐसे आए आप मेरे घर है। मैं आपके घर आया हूँ। हाँ जी हाँ। कमाल हो गया भाई, मैं आपके घर आया हूँ। ना पर मैं आपके घर क्यों आया हूँ बाबूजी? ये पकड़िए कुछ। ओ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ जी हम आपको इनवाइट करने आए हैं। किस लिए? ओ, मेरे पुत्र का ब्याह है जी, उसमें आना है। तो दूसरा ब्याह कर रहे हैं? बाबूजी मेरा 6 साल का बेटा है, आप हमेशा भूल जाते हो। हम तो यहाँ इस वास्ते आए थे कि आपका बेटा अंगद, मेरा मतलब मेरा बेटा अंगद, इनके बेटे अंगद का मान सम्मान करने वास्ते। ओ आहो आहो, ओ साले ले। ओ जी माफ करना जी, उम्र हो गई है, थोड़ा भूलने लग पड़ा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। पर पा जी, इस बहाने मेरा बेटा अपने सारे काम छोड़ के मेरे पास रहने लग पड़ा है। वरना आपको तो पता है जी, आजकल के बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम कहाँ होता है जी। ये बात तो है। तो फिर तय हो गया जी, आपने अंगद के सम्मान के लिए जरूर आना है। देखिए भुल्लर जी, मैं किसी मान योग हूँ नहीं, वैसे भी उस दिन मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आएंगे पाजी, जरूर आएंगे। आपने अंगद के सम्मान में जो फंक्शन रखा है उसमें ये जरूर आएंगे। थैंक यू पापी जी। कोई दिल्ली नहीं जाना तुसी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और जी भुल्लर साहब, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। हम कुछ लेने आए थे जी। जी नहीं, आप घर से नाश्ता बनवा के मेरे लिए लाए थे, मुझे खाना था इसलिए। ठीक है जी, आप नाश्ता करो, हमने और भी जगह जाना है। जी 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 जी। पिए जी, भाई तूने भी आना इसकी बारात में जरूर। बाबू जी, मैं फिर कुछ भूल गया जी? कुछ नहीं भूले आप, चलिए। चलो वो पंगड़े वालों के पास जाना है जी बात करने के लिए। ओए पुत्र, बापू के साथ रहना। ठीक है जी। आपको क्या जरूरत थी यहाँ करने की जब मैं नहीं जाने वाला वहाँ? बेटा तू जाके चा लेके आ। आप क्या चाहते हो, सारी दुनिया को पता चल जाए कि आपकी अपने बेटे से नहीं बनती? रावी, तुम खामखा बात को तूल दे रही हो। वैसे उस फंक्शन में ना भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, तुम्हारे कहने से मैं अंगद के घर में रह रहा हूँ, जो तुम चाहती हो वैसे ही करो। मिट्टी पाओ जी, आप भूल क्यों नहीं जाते सारी बातें? आप चल के देखो तो सही आपके बेटे की कितनी इज्जत है। क्यों नहीं होगी इज्जत? इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया एग्रीकल्चर में आपका बेटा, इज्जत तो होगी। आपका बेटा भी तो है जी। रावी, तू हमेशा जीत लेती है मुझे, तू चाहती है तो चलूंगा। आज चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि भारतीय कृषि संस्थान ने अंगद सिंह चौधरी को बेस्ट एक्सपोर्टर इन एग्रीकल्चर से सम्मानित किया है। जनता के नेता अमर सिंह जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मैं किरतपुर गांव के सरपंच श्री भुल्लर जी को गुजारिश कराऊंगी। वो कागज रख लिया हमने। अमर सिंह के सम्मान में कुछ कहें। भाऊजी लेफ्ट लेफ्ट। मैं माननीय अमर सिंह जी का स्वागत करता हूं। अमर सिंह जी जो यहां पर इस सामूहिक विवाह उत्सव के मौके पर 1000 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। भाऊजी भारतीय कृषि प्रधान प्रधान। हाँ हाँ हाँ, भारतवर्ष एक विवाह प्रधान देश है। हर किसान का फर्ज बनता है कि वो विवाह करे। बाऊजी खेती, विवाह की खेती बाऊजी, और उससे फसल। बिना खेती के हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। खेती जितनी मेहनत से करेंगे फसल उतनी ज्यादा। अरे भुल्लर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप इसी तरह से भूलते रहे।
तो हिंदुस्तान की आबादी 100 से 200 करोड़ हो जाएगी अगर आपने शादी की खेती इसी तरह से करें। मैं कुछ भूल गया? नहीं साहब, आप कुछ नहीं भूले, हम ही भूले भटके लोग हैं। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, कृपया आप हमें अवसर दे दें। भूले भटके लोगों, आज हमारे बीच में अंगद भी हैं और बलदेव भी हैं। ये अंगद हमें रामायण के अंगद की याद दिला रहे हैं, जिस तरह से अंगद ने अपनी सफलता के पांव उस अंगद ने जमाए थे, आज कीरतपुर के अंगद ने भी जमा लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे अंगद को उसकी सफलता के लिए, उसके कीर्तिमान के लिए, मैं नहीं, अमर सिंह नहीं, कोई नेता नहीं, उसके पूजनीय माता और पिता आगे आएं और अपने सुपुत्र का स्वागत करें। धन्यवाद। Proud of you, putta. आज पापा ने मुझे कितने सालों बाद छुआ, मैं बहुत खुश हूं। और बाबूजी बोले भी कितना चंगा। पापा बोले? क्या बोले? बोले बेटे की कामयाबी पिता की ही कामयाबी होती है। मुझे मेरे अंगद पे फक्र है। सिमरन जी, करण के लिए पैसे लाई हो? हाँ, 1 लाख है। लाख? करण ने तो 50,000 मांगे थे या लाख? मांगे तो 50,000 ही थे, लेकिन पहले म्यूजिक टूर की तैयारी कर रहा है, पैसों की तो जरूरत पड़ सकती है ना जी। और क्या है ना जी, जिंदगी में पैसे ज्यादा भले ही हो, कम कभी नहीं पड़ने चाहिए। ले आया पेमेंट? हाँ। तू 5 रुपए काट क्यों ले आया है? मैं क्या करता, वो आदमी कहता है कि इतना ही हिसाब है, ऊपर से मुझे डांटता भी है। मुझे पहले ही पता था, चोर है ये बंदा। चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। वो पागल हो गई है तू? 5 रुपए के लिए 5 मील पैदल चल के आई है? 5 मील? इन 5 रुपयों के लिए तो मैं 50 मील चलकर आ सकती हूँ। तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे बच्चों के लिए एक वक्त का दूध है ये। ओ लाला सुन, लो खसम गया हुआ है अमेरिका इसका, आ गई तू सरखाने को। ओए मुख्यमंत्री, तू उसको क्यों नहीं बताया कि हमारा कमीशन बढ़ गया है? और जी क्यों बढ़ गया कमीशन? मिर्ची हम कूटे, छाती हमारी चले, नुकसान हमारा हो, मैं अपने हक का 1 भी पैसा नहीं छोड़ने वाली। तू सुन ले गल, कमीशन तो मैं अपनी मर्जी का काटूंगा, समझ गई तू? और तेरे को यहाँ काम करना है तो कर ले, नहीं दफा हो जाए यहाँ से, दफा चले यहाँ से। ओए, अगर मेरी माँ को कुछ कहा मार दूंगा। अच्छा अच्छा। ओए लेके जाए इस कंजरी को यहाँ से, लेके जाए। भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि ये बच्चा बच गया। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका बायां हाथ क्यों नहीं काम कर रहा? देखिए, इसके सर पे बड़ी जोर की चोट लगी है, जिसकी वजह से इसकी हाथ की कई नसें दब गई हैं। ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? देखो, अब मैंने दवाई तो दे दी है, ये अपने हिसाब से असर करेगी। वैसे अगर आप चाहें तो शहर जाके ऑपरेशन करवा सकती है, लेकिन उसमें खर्चा आएगा। कितना खर्चा डॉक्टर साहब? यही 10 से 15 हजार रुपये। काश उस वक्त हमारे पास पैसे होते हैं। आप इसके बारे में हमेशा सोचकर अपना मन खराब क्यों करते हैं?
आपसे और बाबूजी से जितना होना था आपने किया, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ लेकिन उस वक्त मैं, देखो अंगद, होने को कोई नहीं डाल सकता, और फिर करण को देखकर तो ऐसा लगता भी नहीं है कि उसका हाथ, देखना करण कल का रॉक स्टार है। स्माइल ना सुना। आए हाय तोड़ी स्माइल से मैं मर जावा। My song is going to be a hit now. Hit, hit, hit. हाँ, इतने सालों से मैं इन्हें नचाने की कोशिश कर रही थी, ये कभी नहीं नाचे। अच्छा, घर पे कौन नचाता है? हाँ। करण, पापा आए थे? पापा ने अवार्ड दिया? अवार्ड ही नहीं, पापा ने मुझे आशीर्वाद भी दिया, छुआ मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ।
लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि पापा मुझसे इतने सालों तक नाराज रहे? भैया, पापा नाराज नहीं है, ही लव्स यू, यू नो ही इज ओवर सेंसिटिव, बस वो बात नहीं भूल पा रहे, बट ही लव्स यू भैया। आई नो ही लव्स मी, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हीं के लिए मैंने बॉक्सिंग सीखी, नेशनल चैंपियन बना, लेकिन बॉक्सिंग से घर नहीं चलता, हमारे देश में बॉक्सिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, और आज भी बॉक्सिंग का कोई फ्यूचर है इस देश में? एक्सक्यूज मी सर। अरे गौरव, फिर आ गए तुम। सर, आपके सेवक कहाँ जाऊँ सर? देखिए सर, बॉक्सर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसे एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा, आप तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता सर। कोचिंग मैं छोड़ चुका हूँ यार, तुम समझते क्यों नहीं? सर, एक बार मेरे सर पे हाथ रख दीजिए, मेरा भी कुछ हो जाएगा सर, मैं भी कुछ बन जाऊंगा। कुछ बनना चाहते हो तो क्रिकेट खेलो, टेनिस खेलो, बड़ा नाम होगा इसमें। हिंदुस्तान में तो बॉक्सिंग भी गुमनाम है, इसके खिलाड़ी भी गुमनाम है। अब ना बॉक्सिंग का खेल गुमनाम रहेगा न उसके खिलाड़ी। आधा वर्ष है जनाब एहसान अली साहब, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के हेड। तेरी तो इतने दिन कहाँ से तू, याद नहीं है मेरी? अरे मैं फंस गया था यार, चल चल चल, मैं जरूरी काम है, किसे मिलाना है, चल चल चल। वो आ गए। ओ बलदेव सिंह जी, मजबूरी लाल जी, कहिए क्या मजबूरी है? ओ मजबूरी ही, ओ बलदेव सिंह जी, तू सीधा जान दो, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का पाई एक तरफ, ये मेरा जो साला है ना, साला साहब, हाँ वही, वैसे कॉमेडियन है पर आपसे बॉक्सिंग सीखना चाहता है। क्या तकलीफ है भाई? सर शादी करनी है। शादी के लिए बॉक्सिंग? अरे चल बलदेव, चल सर। वो जी मेरी मंगेतर WWF की बहुत बड़ी फैन है। बलदेव मेरे लल्लू, बॉक्सिंग सीखनी है तो फिर एक जोक सुना दे। जोक सुनाने से काम बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बन जाएगा। एक आदमी ने सर कनाडा से अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखी कि इस बार मैं आपको पैसों की जगह पे 100 kisses भेज रहा हूँ। किसेज? चुमिया। पिन्नियां तो नहीं? पर पिन्नियों से भी मीठी होती है सर। दो चार मेरे लिए भी मंगवा देना, बड़ी मीठी होती है भाई। मेनू की पता, मैं तो छड़ा छाटू। अरे आगे बोल, आगे बोल। वो ना 2 महीने के बाद उसकी वाइफ ने कहा कि मैं आपको पिन्नियों का हिसाब, चुमियों का हिसाब भेज रही हूँ। 10 दूध वाला ले गया, 20 सब्जी वाले को दे दी, और बिजली वाला मुश्किल से 15 पे बनाया है, और जो मकान मालिक है वो ऐसा है 70 लेकर भी नहीं मान रहा, कह रहा है कुछ और भी लूंगा। लालची था। फिर क्या हुआ? तो ने कहा था सर, हस्बैंड ने निकाला प्लेन का भाड़ा, अगले दिन ही सीधा टोरंटो से हलवारा अपनी बीवी के पास। एक काम करो, आज से तुम दौड़ना शुरू कर दो। दौड़ना? स्टैमिना, स्टैमिना, इसका मामला है, इसलिए गुरुजी मान गए। चल चल चल, दौड़ दौड़, और जब तक ये ना रोके दौड़ते रहना, भाग 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 चल। एहसान यहाँ किस लिए ले? चल ना। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच बलदेव सिंह जी पधार चुके हैं, जिन्होंने ओलंपिक में बॉक्सिंग के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतकर भारत को गौरवान्वित किया था। ये क्या मैं ख्वाब देखूं यार? हैं? बलदेव सिंह चौधरी, the tiger of Punjab. I have not forgotten our last meeting. सालों पहले का बलदेव मुझे आज भी याद है, जिसकी चट्टानी अरादों ने मुझसे वादा किया था कि एक न एक दिन एक हिंदुस्तानी को वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनाएगा। अरे मैं कोई राजा हरिश्चंद्र हूँ यार? वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, किस वादे की बात करते हो? ऐसी बातें बलदेव कर रहे हैं? उस बलदेव को भूले हुए तो मुझे जमाना हो गया, तुम क्यों उसे याद कर रहे हो? फॉरगेट फॉरगेट दैट बलदेव। और सुनो कैसे हो? कम ऑन, लेट्स हैव ड्रिंक एंड एंजॉय।
रॉय, ये एहसान मुझ पे हमेशा एहसान करता रहता है। सब कुछ है मेरे पास, किस चीज की कमी है? मेरा बेटा कमा रहा है और फिर मेरे नसीब में जितना था मुझे मिल चुका है। मेरे यार मुझे चुप कर। मुझे बेटा तुझे कौन जानता है? तेरे अंदर जो आग जल रही है वो मैं जानता हूं। आग? अरे बलदेव सुन, सुन मेरे यार, ये हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मिस्टर रॉय वो पुराने जर्नलिस्ट नहीं रहे यार, आज वो एक चैनल का मालिक है, एक मीडिया मोगल। एहसान, लेट मी एक्सप्लेन इट। बलदेव, आई एम डूइंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट कॉल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग जॉइंट। ये देखो, 6 कॉन्टिनेंट से 6 बॉक्सर चुने जाएंगे और जो भी बॉक्सर चैंपियन बनेगा ही विल फाइट नन अदर देन हैवीवेट चैंपियन लुका ग्रासिया। बलदेव देखो, कल वक्त हमारे साथ नहीं था, आज वक्त खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। सोचो, दिस इज द टाइम टू गेट बैक योर ऑनर। अब मैं जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं कर सकता। बलदेव ने सिर्फ 2 साल मांगे हैं तुमसे। अरे जो 6 सालों में नहीं हुआ वो 2 सालों में कैसे होगा? मुझे एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने परिवार की जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगा। पापा की तरह अपनी जिंदगी बॉक्सिंग में बर्बाद नहीं करूंगा। बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम। बॉक्सिंग इज अ वर्थलेस गेम। इट्स नॉट ए वर्थलेस गेम। क्या हुआ बलदेव, कहाँ खो गए थे? जहां मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए, जहां मुझे मेरे अपने छोड़कर चले गए। मिस्टर रॉय, कोई मेरी उम्र की कैटेगरी का वर्ल्ड चैंपियनशिप मुकाबला रखना चाहते हैं तो शौक से रखवा लीजिए। बलदेव सिंह आज भी तैयार है। आई चैलेंज टू विन। अरे कोई नहीं, रख ले तू, ये भी रख। पी के चलाना नहीं है। चंगा जी, बॉक्सिंग के बारे में, बॉक्सिंग इसे वर्थलेस गेम। स्टॉप द म्यूजिक। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, बंद क्यों कर दिया यार? चला, मैं भी नाचूंगा। हाँ, पापा बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, बाद में दिखा लेना, बहुत थके हुए हैं, तुसी आराम करो। थक गए हैं? थक गए हैं। दादाजी एक मिनट। अरे यार तू यही लेके घूमता रहता है। वो बुजा बुआ को मेल करना है ना न्यूयॉर्क। एक मिनट, बुआ के लिए एक मैसेज। पूजा कैसी हो बेटी, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, यहाँ सब तुम्हें याद करते हैं। करने बहुत अच्छे गाने रिकॉर्ड किए हैं। अब वो आ रहा है म्यूजिकल टूर पर बाहर, उसके साथ मैं भी आऊंगा। मिसिंग यू अ लॉट, आई लव यू बेटे, आई विल कम विद हिम। हाँ, लव यू बेटे, लव यू। क्यों खुश है ना? बहुत खुश हूं आप फंक्शन पर आए। चलो कोई तो खुश है।
Mr. Poldev, you have been found with drugs in your blood. Please trust me. I have not taken any drug. Somebody must have mixed something in my drinking water, sir. Because of Mr. Roy, you got such a big fight and you cheated the sports. Why happened to some nothing you need? You have been found with drugs in your blood. You have brought the game of boxing into disrepute. Betting mafia ne mujhe match harne ke liye kaha. You have been banned for 15 years. Mr. Roy, please samjhaiye. You can ban me, but you can't ban the spirit in me. My son Angad will come. He will bring my pride back. I challenge you. Have a safe flight. बेटा, तू पापा की फिक्र ना कर। तू निकल, मैं उन्हें समझा लूंगी। सुबह तक तो उन्होंने नॉर्मल हो जाना। जिंदा रहे, सुखी सांदी जाओ, सुखी सांदी आओ। आप अंधेरे में क्यों खड़े थे? वो अंगद, उसकी फ्लाइट का वक्त हो रहा था ना, जर्मनी गया है। आया था आपसे मिलने, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। आपका मूड खराब था ना, इसलिए। मेरे मूड की क्यों फिक्र करते हैं आप लोग? बड़ा ही घटिया मूड है मेरा, मिला वजह खराब रहता है और फिर सुबह होते होते नॉर्मल हो जाता है। कभी बिगड़ता है, कभी ठीक हो जाता है। खाना खा लो जी। रावी, यह जिंदगी बोझ सी बन चली है। खुद को इतना बेबस और लाचार मैंने कभी महसूस नहीं किया। अमेरिका से मुझे चीटर, ब्लडी इंडियन कहकर निकाल दिया गया। तब खुद को मैंने लूजर महसूस नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद को बहुत बड़ा लूजर समझता हूं। ये कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कि जो चैलेंज मैं अमेरिका में देकर आया था, उसे पूरा नहीं कर सका। अंगद से मैंने सिर्फ 2 साल और मांगे थे। 2 साल और मुझे दे देता तो कौन सी कयामत आ जाती। यह घर 2 साल बाद भी बन सकता था। पूजा की शादी 2 साल बाद भी हो सकती थी। कोई हिंदुस्तानी आज तक हैवीवेट चैंपियन नहीं बन सका। मेरी हसरत थी किसी हिंदुस्तानी को हैवीवेट चैंपियन बनाकर एक इतिहास रच सकूं, लेकिन इतिहास को अकेला नहीं रच सकता। इतिहास रचने के लिए अपनों की जरूरत होती है, लेकिन मेरे अपने सिमरन,
जी बीजी। बेटा ये तो गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, तू इनकी बात का बुरा मत मान बेटा। पुत्र उस वक्त ना हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे। अंगद के बाऊजी सारी सारी रात स्टील की फैक्ट्री में काम करते थे और उसके बाद पूरा दिन अंगद को बॉक्सिंग सिखाते थे। बस 2-4 घंटे ही सो पाते थे, इससे उनकी तबीयत भी खराब रहने लग गई। उसी वक्त पूजा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया जो कि हाथ से निकलता जा रहा था। और फिर बेटा बॉक्सिंग से तो कुछ हासिल भी नहीं हो रहा था ना। बस अंगद ने बेचारे ने परिवार के लिए अपने बाऊजी की नफरत मोल ले ली, छोड़ दी बॉक्सिंग। तू रो ना, मैं माँ, मैं जानी हूँ अंगद बहुत चंगा लड़का है। तू छोटिया छोटिया गल्ला नू दिल ना लगाए कर पुत्र, उदी कोई गलती नहीं है। रो मत बेटा, रो मत। नहीं बीजी, मैं अंगद के लिए नहीं रो रही। मुझसे बाबूजी का दुख देखा नहीं चाहता। मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बस हम में से कोई भी उनके दर्द को समझ नहीं पाया। सिमरन, तू बहुत चंगी है सिमरन, तू बहुत चंगी है। बलदेव सिंह जी नहीं आए आज? भी सारी रात नहीं सो सकी, आप ही के बारे में सोचती रही। और जितना मैंने सोचा उतना मुझे लगा कि हम में से कोई भी आपके दुख का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैं भी नहीं समझ पाई कि आपको इस बात की इतनी तकलीफ है। मैनू माफ कर दियो जी। अभी एहसान भाई आए, उन्होंने मुझे सब बता दिया। आप ये मौका अपने हाथ से ना जाने दीजिए। आप कहें तो मैं अंगद से बात करती हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा। अच्छा, इतना भरोसा है अंगद पर? माँ होना इसीलिए तो। क्यों दिल छोटा ना कर। एक बात कहूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारा डील डॉल और तुम्हारा ये हाथ देखो, मोहम्मद अली क्ले से भी ज्यादा बड़ा है, क्लाइड टाइसन से भी ज्यादा मजबूत है। पहले ही बाउट में चित कर सकती हो तुम, तुम्हें बॉक्सर बना देता हूं मैं। क्या बात करते हो जी। मैं मजाक नहीं कर रहा, चला के देख मेरे मुंह पे, लगा लगा मारूंगी कुछ। मेरा गामा पहलवान। यही तो मेरे दोस्त की खूबी है कि मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराता रहता है। अरे यार सुन, तू गौरव को क्यों नहीं सिखाता? वो अच्छा लड़का है, उसमें 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 लगन भी है। हाँ सच, बलदेव सब कुछ देख सकता था, रावी के आंसू नहीं। बरसों पहले इन्हीं आंसुओं की खातिर उसने बॉक्सिंग छोड़ी थी,
और आज इन्हीं आंसुओं की खातिर वो अपनी बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट रहा था। जिंदगी जैसे उसे पूरी तरह से वापस मिल गई थी। उसने जीना फिर से सीख लिया था। इस उम्र में भी वो फिर से जवान हो गया था। परिवार बलदेव की खुशी में शामिल था। कहते हैं ना, जब खुशियां आती हैं तो हर तरफ से आती हैं। थैंक यू। हेलो नंदिनी, या जस्ट होल्ड ऑन। तेरी भी कोई नंदिनी है, है? करण की नंदिनी भी अमेरिका से मेडिकल स्टडीज करके वापस आ रही थी। तेरी याद सताए।
तुम्हें यहां लगती है, मुझे यहां दर्द होता है। One single blow can be lethal. एहसान, मेरे ग्लव्स लाओ और खुद ग्लव्स पहन कर आओ। मैं बताता हूं इसे कैसे डिफेंड किया जाता है। अबे ओ, तू पागल हो गया क्या? हाथ साफ करने एक ही बंदा मिल गया तेरे को। चल चल चल। अरे जाना पहन क्या? चार बार नाक तोड़ चुका है तू। चल चल भाग। मैं नहीं। ये भी नमूना है। सर, I'm really sorry, sir. सर, गलती मेरी। एक्चुअली मेरा ध्यान कहीं और था सर। कहाँ? सर वो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। डोंट वरी, बाबूजी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। जी सर। और यहाँ की फिक्र मत करना। वी विल कैच अप विद द टाइम। जी सर। एक मिनट, तेरे पास कुछ पैसे हैं? 5,000। ये पैसे नहीं सर। अरे रखो ना, मुझे मालूम है जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़े तो फोन कर देना। एंड डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। करीब आना सर। ओके, बाय बाय। अच्छा जी, थैंक यू। चलो सर। सर सर सर। अरे तू अभी तक भाग रहा है? हाँ जी, आप मुझे बॉक्सिंग सिखा दो। जोक सुना? जोक जोक नेताओं पर सुनाऊं या सास बहू का? अरे यार, नेता तो खुद जोक होते हैं। तू सास बहू पे सुना। सास बहू पे मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी यही प्रॉब्लम है। सास बहू ही चाहिए मुझे। सास भी चाहिए? सर, कोई कोई सास बननी तो चाहिए ना। एक सास ने सोचा कि चलो टेस्ट लेते हैं बहू का, कि ये मेरी कितनी इज्जत करती है। उसने बहू से पूछा कि बहू, अगर मैं चारपाई पर बैठ जाऊं तो तुम कहां बैठोगी? बहू बोली, मैं आपके बराबर नहीं बैठ सकती, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगी। उसने पूछा कि अगर मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं तो? वो बोली, मैं नीचे जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास ने पूछा कि अगर मैं जमीन पर बैठ जाऊं तो? वो बोली, मैं नीचे जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी। सास ने पूछा, अगर उस गड्ढे में मैं बैठ जाऊं तो? वो बोली, मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। अरे इसके लिए खड्डा खोद ही दो। खड्डा खड्डा, शादी भी तो खड्डा ही होती है ना। शादी खड्डा? Meet Mr. Gaurav from North Zone. Sir. Nice to meet you, Mr. Gaurav. My pleasure, sir. My pleasure. I've seen the tapes you gave Mr. Shetty. I'm very impressed. Very impressed. Thank you, sir. Whoever's been training you is extremely good. Yes, sir. But I don't want good, sir. I want the best. Ehsan. Gaurav se mila kar sachmuch tune bahut bada ehsan kiya hai muj par. ऐसा लगता है जैसे तीसरा बेटा मिल गया हो। एक अजीब सी शक्ति चली है मुझ में। अब लगता है मरने से पहले अपनी जिंदगी पर लगा वो कलंक मैं धो सकूंगा। I'll die with a clean slate, सर। अरे गौरव, बड़ी लंबी उम्र है बेटे। अभी तुम्हें याद कर रहे थे। कैसे हो? ठीक हो ना? बाबूजी कैसे हैं? सर वो आपसे कुछ अकेले में बात करनी थी सर। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आई? क्या बात? श्योर। बाबूजी तो ठीक है ना? सर मैं मुंबई गया था, वहां मैं वेस्ट जोन बॉक्सिंग एसोसिएशन भी गया सर। हम उनके सामने कितने पीछे हैं सर, वो लोग कितने हाईटेक हैं और हम? अरे एहसान, सुना तुमने? बाबूजी की बीमारी के बावजूद ये वहां बॉक्सिंग देखने चला गया वेस्ट जोन में। दैट इज द स्पिरिट, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। लेकिन सर हम यहां से कैसे मैच करेंगे? हाईटेक के लिए मैं तुम्हें दिल्ली ले जा रहा हूं। लेकिन बेटे, लड़ाई जोश, जुनून और हिम्मत से जीती जाती है। सर, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट सर, मैंने आपसे झूठ कहा था वो मेरे पिताजी की तबीयत के बारे में। एक्चुअली सर, मैं मुंबई गया था ऑस्ट्रेलियन कोच मिस्टर व्हाइटमोर से मिलने। And he's agreed to coach me. इसलिए मुझे आपको छोड़ना होगा सर। What? What are you talking?
I'm going to West Zone, sir. अरे तुम ऐसा कम चढ़ देखे बेटे, मैं अभी अभी यही कह रहा था कि मुझे तीसरा बेटा मिल गया है। मेरे माथे पे वो जो कलंक का टीका लगा उसे मैं धो सकूंगा। और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है? मैं तो बॉक्सिंग छोड़ चुका था बच्चे, जब से तू आया तूने कहा मुझे बॉक्सिंग सिखाओ, और अब जब मेरे अंदर वो हसरत पैदा हो उठी तू मुझे छोड़कर जा रहा है। I'm really sorry, sir. ऐसा मत करो मेरे साथ। ये आपके पैसे सर। God, please don't do this to me. For God's sake, don't do this to me. I'm sorry. Gaurav! Why the hell you're leaving me? क्या कमी है मुझमें? क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे? Because he is a better coach than you, sir. सच्चाई यह है कि मिस्टर व्हाइटमोर ने अब तक 3 वर्ल्ड चैंपियंस बनाए हैं। आपने कितने बनाए सर? और आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी हैं सर। नो हार्ड फीलिंग्स सर, पर आई कांट गेट इमोशनल अबाउट माय करियर। गौरव सर, बस भी कर दो के बस। पापा, कितने चैंपियन बनाए हैं आपने? और आप पर तो डोपिंग चार्जेस भी हैं। You dissed me. I hate you. Papa. I hate you. No, Papa, stop it, Papa, stop it. Stop it, Papa, please stop it. Papa. How could you diss me? How could you do that to me? How could you? Papa, stop it, Papa, no, Papa, no. Stop it, Papa, please stop it. I hate you. Hate you. All people get pissed like this. I hate you. No, Papa, no. Get out. I do this, Papa. Please, Papa. Aisa, chacha. Jaldi aao. Papa, stop it. See, this is a case of motor and psychological dissociation. मतलब इसका हाथ आगे भी मूव होगा ना? I think a miracle has happened. All our prayers have finally been answered. जब मैं अमेरिका में मेडिसिन स्टडी कर रही थी, मैं हमेशा यही सोचती थी कि what could I do to help you? जानते हो क्या हुआ है? बचपन में तुम्हें जो ब्रेन इंजरी हुई थी वो टाइम के साथ ऑलमोस्ट हील हो गई थी, बट साइकोलॉजिकली यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट। बस एक ट्रिगर की जरूरत थी, और अब तुम्हारे ब्रेन के दूसरे हिस्से ने भी काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं अपने पापा का सपना पूरा करूंगा।
you gotta hit that high. There's no turning back, it's do or die. Don't look left, yeah, don't look right. Give it all you got with all your might. You've chosen the way, you've chosen the road. Put your foot forward, now follow the code. And once you reach there, your destiny will be right in your face, glorified you'll be. ज्यादा है, मुझे लगता है थोड़े दिनों के लिए बॉक्सिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं नंदिनी, मेरे पास वक्त बहुत कम है और वैसे भी मेरे पापा का दर्द मेरे दर्द से कहीं ज्यादा है। क्या बेटा है, कितना एहसास है इसे मेरे दर्द का। काश अंगद को भी ऐसा ही एहसास होता। कर रही हो? अरे इतने दिनों बाद मिले हो, जब भी मेरा पाऊं। I missed you so much. I missed you too. करन कहाँ है? Come on, come on, come on, लगा, जो लगा, grip कर, 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 शाबाश! You've done it, शाबाश! Become strong, bhaiya. Strong. Come on. You sure? Yeah. Come on, Karan. Karan, we're going to dala. Chakte phatte. Come on. Karan, you can do it. Come on. Arey, taagat dikha. Come on. Come on. You can do it, bina. Yeah. Hey, that's cheating. Karan. Yeah. Papa. आ गए आप। ये पैर तो तुम जाते वक्त भी छू कर जा सकते थे बच्चे। पापा मैं। कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस ट्रिप? कैसा रहा? अच्छा, फाइन, मस्ट बी फाइन। अरे चलो, क्या देख रहे हो खड़े खड़े? डोंट वेस्ट योर टाइम। एक्चुअली क्या है ना, बाऊजी बहुत टेंस्ड हैं। वो मैच की डेट आज ही फाइनलाइज हुई ना। अरे पता है पहला मैच किसके अगेंस्ट है? किसके? Excuse me, सर, आपका पहला मैच करण सिंह चौधरी के साथ है। उनके पिता जो पहले आपके कोच थे, उनके बारे में आपका क्या कहना है? गलत इंफॉर्मेशन है आपकी। Excuse me, please. मैं उनके साथ रहा जरूर था, लेकिन he was never my coach. उनके ट्रेनिंग मेथड्स बहुत ही ओल्ड फैशन है और बॉक्सिंग आज के टाइम में एक बहुत ही कंपेटिटिव स्पोर्ट है। It's an international sport, जिसके लिए मुझे एक international coach की जरूरत है। लोगों को लगता है कि आपके opponent करण के साथ जो miracle हुआ है, उससे आप डर गए हैं और इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। Otherwise, उनके पिता तो इंडिया के बेस्ट कोच हैं। डरा नहीं, तरस आता है मुझे उस पर। अब देखिए ना, बेचारा कितनी मुश्किल से उसका बायां हाथ ठीक हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि अपने पिता के स्वार्थ में
एक बार फिर से अपाहिज हो जाए। मिस्टर करन, आपका क्या कहना है? बात स्वार्थ की नहीं, पिता के सम्मान की है। अगर बात स्वार्थ की भी होती तो मैं अपने पिता के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं, मगर जो अपने गुरु का मान रखना ना जाने वो इस बात को क्या समझेगा। ऑस्ट्रेलियन कोच लाज रखना उसकी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस मुकाबले में आप सभी का स्वागत है। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग जायंट। और आज हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया है। चलो चलो, मैच शुरू होने वाला है। सचिन तेंदुलकर नजर नहीं आ रहा, सहवाग भी नजर नहीं आ रहा। बाबूजी, मैं भूल गया कुछ। मुल्लर साहब, ये क्रिकेट का मैच नहीं है, बॉक्सिंग का मैच है। वो तभी मैं कहूँ इसमें रस्से क्यों बांधे हुए हैं। नमस्ते लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग जॉइंट के कंटेंडर सीरीज की क्वालिफाइंग राउंड शुरू होने वाली है। अगले 6 महीनों में पूरी दुनिया में 72 मैचेस होंगे। 6 कॉन्टिनेंट से 6 चैंपियंस चुने जाएंगे और उनका आखिरी घमासान होगा अमेरिका में, और उनमें से जो नंबर 1 होगा वो करंट हैवीवेट चैंपियन लुका ग्रासिया से टकराएगा। और मेरी ख्वाहिश है हिंदुस्तानी होने के नाते कि वो बॉक्सिंग चैंपियन एक हिंदुस्तानी हो, एक इंडियन हो। और इसके साथ ही रेफरी का दोनों मुक्केबाजों को सेकंड का इशारा। What are you doing out there? Don't be overconfident. Pitch him hard. Punish him, all right? Boxes break.
Cheating! Cheating! Break. Step back. Don't do the foul. Are you okay? Karan, are you okay? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। उसका लेफ्ट हैंड अभी तक कमजोर है गौरव, और मार उसके लेफ्ट हैंड पर गौरव। एक बार उसका लेफ्ट हैंड उखड़ जाएगा ना, तो गेम हमारे हाथ में होगा। अपना घबराओ, लेफ्ट हैंड बचाना उसे। हेड ऑन पॉइंट्स, घबराओ मत। हिज मार, हिज मार, जोर से। करन, लिसन टू मी, यू गॉट टू प्रोटेक्ट योर लेफ्ट आर्म, ओके? आई एम ओके। आर यू लिसनिंग टू मी? बॉक्स। Disqualify you. करता हूं आपकी दुआएं इसी तरह अगर हमें मिलती रहीं तो मेरा बेटा करण पहला हिंदुस्तानी होगा जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर हिंदुस्तान के लिए बेल्ट लाएगा। हेलो, जोर दी जप्पी, कुरियर मिल गया? हाँ पूजा, कुरियर मिल गया। चंगा। अच्छा ये बता, तू कैसी है?
ले, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा पा रहे हो ना? और साकेत कैसा है? ले, ऐश करा बिल्कुल। और मेरे राज में क्या करेगा? अच्छा अब डिच मत करना, जरूर आ जाना। अच्छा हाँ जरूर आऊंगा। जल्दी आ जाना वीर जी। अच्छा सुन, घर आ गया, घर के बाहर भीड़ बहुत खड़ी है, सुन मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। हम इस वक्त कीरतपुर में खड़े हैं और यहाँ चारों ओर खुशी का माहौल बना हुआ है। करण सिंह चौधरी जो कि मिरेकल बॉय के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ गौरव घेरा को हराया बल्कि एशियन किंग को हरा कर वो एशिया के नंबर वन कंटेंडर बन गए हैं। वो अपने पिता के साथ जो कि उनके कोच रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन मैं बाद में बात करूंगा। हाँ मामा देखो, पूजा ने यूएसए से ढेर सारे पेपर्स भेजे हैं और सब में करण की फोटो, पापा की फोटो, ये देखो ये देखो। करण ये सारे पेपर्स पापा के पास लेकर जा। भैया आप दिखा दो ना पापा को। नहीं मैं यहाँ हूँ। अरे मैं क्यों, तू लेकर जाएगा मामा, इसको बोलो ना। जा दिखा, पापा को दिखा। He's waiting for you. Hello Shetty, how are you? हाँ दो, गौरव को दो। Sorry for what? अरे तुमने अच्छी गुरुदक्षिणा दी है, तुम छोड़कर नहीं जाते तो। अरे अब तो हर कोई ज्वाइन करना चाहता है। यू आर वेलकम। सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर हैज नन। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। एहसान अली देख रहे हो, हमारे साहबजादे अंगद साहब आजकल हमारे लिए खूब वक्त निकाल रहे हैं। पापा हाउ कम यू आर सो एक्साइटेड टुडे? पापा ये देखिए, करण और आपके बारे में लिखा है और तस्वीरें भी हैं, ये ले। इंडियन कोच मेड हिज हैंडीकैप सन अ बॉक्सर, मिरेकल बॉय डज मिरेकल। ये मिरेकल 10 साल पहले भी हो सकता था, मगर जो बात होनी होती है वही होती है, जो नहीं होनी होती नहीं होती। सो माय डियर सन, इज इट स्टिल ए वर्थलेस गेम? जितना खुशी का दिन है, पता नहीं पापा मुझे देख के हमेशा ऐसे क्यों हो जाते हैं। ऐसे क्यों हो जाता हूं? काश तुमने जाना होता क्यों हो जाता हूं। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर के जख्म ताजा हो जाते हैं। 10 साल तुमने मेरी जिंदगी के बर्बाद कर दिए और वो 10 साल मैंने कैसे गुजारे हैं काश तुम जानते। पापा मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? आपके कहने पर मैं बॉक्सर बना, नेशनल चैंपियन बना, लेकिन पापा उस वक्त ये अपॉर्चुनिटीज कहाँ थी? थी अपॉर्चुनिटी थी, सिंगापुर ले जा रहा था ना मैं तुझे। पापा उसके पहले हम लोग हांगकांग गए, मनीला गए, लेकिन क्या हुआ? अगर मैं अपने दोस्त की अपॉर्चुनिटी नहीं लेता और बिजनेस में नहीं जाता, आपके साथ चला जाता, तो हमारे पास ये सब कहाँ होता पापा? ये नहीं होता ना, सड़क पे होते हम, भूखे रहते, झोपड़े में रहते। अरे दो वक्त की रोटी उस वक्त भी मैं तुम्हें दे सकता था। हिंदुस्तान में हजारों करोड़ों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, मर नहीं जाते, लेकिन जिल्लत का एक लम्हा जीना मुश्किल होता है बच्चे। अमेरिका से मुझे डोपिंग की गाली देकर निकाला उन्होंने और मैं उन्हें चैलेंज देकर आया था तुम्हारे भरोसे कि अपने अंगद को मैं बनाऊंगा, ऐसा बॉक्सर बनाऊंगा जो मेरे माथे पे लगा कलंक मिटा देगा। छोड़ दे, तूने क्या किया है मेरे लिए? क्या किया है मेरे लिए? क्या किया इस दुखी बाप के लिए? यू आर नथिंग, यू आर जस्ट सिंपली यूज़लेस सन टू मी। बस यूज़लेस सन टू मी। हाँ पापा, आई एम यूज़लेस पापा, आपका अपने लायक बेटा हूँ पापा। ये तूने क्या किया बलदेव? क्या करूँ एहसान, क्या करूँ मैं? बेटा
चल मेरे दोस्त, वक्त हो गया। अंगद साथ नहीं जा रहा? एहसान, मैं अंगद को कभी कुछ नहीं कहना चाहता। सामने आ जाता है तो इस कमबख्त जवान को क्या हो जाता है, कुछ भी कह बैठता हूं उसे। But I love him. I don't know why. कंट्रोल नहीं होता मुझसे। सिमरन जी, बाऊजी, अंगद कहाँ है बेटे? वो ऊपर है, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਝਸੇ ਬਿਆਨ ਚਾਹੇ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਨਾ तेरे बिन जिया है। जाना मैंने जाना ये दिल आजमाने से, कभी ना छुपे रब्बा प्यार छुपाने से। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा,
तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं अपने, तो अपने 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 होते हैं। बलदेव, क्या एहसान। बलदेव बलदेव, जितनी खुशी तुझे यहाँ आने की है ना, उससे ज्यादा खुशी मुझे है। ये सब तेरी बदौलत हो रहा है, तेरी बदौलत। एहसान पापा। पूजा पूजा अंगद जी का आज हमारा बेटा चुप चुप क्यों है? ए, खुश नहीं है तू? खुश हूँ। खुश क्यों नहीं, बहुत खुश हूँ। सब मुझे इतना प्यार करते हैं, साकेत मुझे इतना प्यार करता है, आप मुझे इतना प्यार करते हैं। आप यहाँ आ गए, करण आ गए, सब तो आ गए, कमी किसकी है? अंगद नहीं आया ना। तू क्या सोचती है, मैं अंगद को लाना नहीं चाहता था, वो खुद ही नहीं आया। और जिस दिन हम आ रहे थे उस दिन वो मिलने नहीं आया। मेरे दिल पे क्या बीत रही है किसी को कुछ मालूम नहीं। आप रहने दो पापा, आप भी कम नहीं हो, आप अंगद भैया को जाने दो। पूजा, लेट मी फोकस बच्चे, लेट मी फोकस। उस पार से इस पार आने के लिए मुझे पूरे 30 बरस लग गए हैं। मेरे जाने से पहले भगवान ने एक शुरुआत मुझे और दी है। मेरा दिल कहता है कि अब जो कहानी लिखी जाएगी उसमें सब कुछ ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा बच्चे। In our third fight, it's दुनिया भर के चुने हुए 6 contenders जिनके बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। पहले दो मैचों में हिंदुस्तान के करण सिंह चौधरी जीत कर तीसरे मैच की ओर बढ़ चुके हैं, और तीसरे मैच में उनका सामना ऑस्ट्रेलिया के क्रिस एंडरसन से हो रहा है, जहां वो पूरी तरह से हावी है। Taking a
on sand. The Egyptian prince Abazi, and Abazi clearly the aggressor in this one. Abazi back to the body. The alley shuffle. And then an overhead right. That's it. Back to the land down under. Tiago working the body. Hard on Karen. Counter. Back to the left. A right. And a left hook. Yeah! A beautiful boy headlock. And another overhead. Usse sirf contender number one nahi banna tha. उसे तो लुका गार्सिया को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनना था ताकि वो अपने पापा और भैया अंगद के बीच की दूरी को मिटा सके। Ladies and gentlemen, we welcome you here tonight to witness this semi-final of the contenders. Both these fighters have reached here by knockout and knockout only. They are the best of the best. And now, my friends, let me introduce you, the Prince of Egypt, Sam Abazi! And let's not forget the Indian Punjabi Munda, the miracle boy, the child of destiny, Karan Singh! But Roy, let's not forget, the reason of this event is because of you and the man, the god of boxing, Luca Garcia. Undefeated in 48 bouts, 34 by way of knockout. He has never been knocked down in his professional career. Two fighters have already died in the ring. Put your hands together. Hear the Lion Roar. The world champion, Luca Garcia, the killing machine. That you can hunt me down, steal my juice, wear my crown. But in the end, you'll find a funk, smoked out face down in my trunk. If you all move to my plan, things will work out fine, turn out grand. If everything works to my design, we'll all be down and it's still all mine. I am extremely excited to be here tonight to witness these young guns ready to fire, and we've all I've been waiting for this moment. So now, I officially announce the beginning of the final round of the World Boxing Giant! Here we go, ladies and gentlemen. This is going to be a great fight. Our semi-final underway. And early on, it's Abazi the aggressor. He comes to the right and the left, but Karan counters. Abazi working back to the body. A solid jab, and then a right and the left combo to the rib. And you will feel those body shots eventually, but back comes Karan, fighting a left and a right. He right side to the bench! Abazi is bleeding! He's heading to the right! Good job! He got it! Yes! Got that! Abazi is coming! Look at that! And he's working inside. Lands a right, and then a left. Protecting himself, fighting up the body. Well, lands to right, and another right to the chin, and then a wild right that he misses. A tough body shot from Abazi. That could hurt Karan. We'll see how he counters. But he comes back to the front right, and then a left hook. That's it. She's down. Abazi is dead. This man has become very popular. We can make a lot of money out of him. Yes, definitely. ये नंदनी के अंकल भी चीज हैं यार। ये सारा भाई तुम्हें तो लाफ्टर शो में होना चाहिए था। डॉक्टर कैसे बन गए आप? अरे बलदेव भाई, तुम्हारी बात सो तक असाची। मैं अस्पताल में लाफ्टर शो ही चलाता हूँ। हंसाते हंसाते मरीजों को कब ठीक कर देता हूँ उनको पता भी नहीं चलता। और जब बिल आता होगा इतना लंबा सब रोते होंगे। अरे भाई गुजराती भाई तो धंधे की बात पहले करेगा ना। अरे ये अपना रॉय साहब है ना, इतनी बड़ी धमाल की पार्टी स्पोर्ट्स सिक्स के लिए रखी, क्यों ना वही खर्चे में
नंदिनी और करण की सगाई कर दे तो सारा खर्चा रॉय के माथे और करण नंदिनी साथे साथे। अरे भाई गुजराती भाई, धंधे की बात तो पहले करेगा ना। साची बात साची बात। अरे एक और धंधे की बात, अरे ये ऑर्केस्ट्रा बुलाकर पार्टी में खर्चा क्यों करने का? अरे भाई जब अपने ही घर में करण जैसा होनार सिंगर है तो उसे गवा कर डॉलर बचाने का। अरे महाकंजूस है। अरे कंजूस नहीं, ये तो धंधे की बात है बदू। ऑल राइट छे, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, करण विल सिंग अ सॉन्ग। आई कांट सिंग, नो नो गोना सिंग। नहीं 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 नंदिनी बेटा, करण बेटा गुजरात की याद आ रही है, एक गरबा हो जाए। गरबा? हाँ हाँ करण, गरबा नहीं तो बल्ले बल्ले ही हो जाए। नो नॉट टुडे, नॉट टुडे, नो। नो करण। चलो करण बेटा एक गाना गा दो। बोलो तो अंगद से फोन करवा लो, उसकी बात तो तुम कभी नहीं टालते। मैनू चैन ना एक पल आवे, तोड़ी याद बड़ी तड़पावे, अब तो दूर रहा ना जावे दिलदार वे। मैनू चैन ना एक पल आवे, तोड़ी याद बड़ी तड़पावे, अब तो दूर रहा ना जावे दिलदार वे।
हेलो भैया, करण? हाँ हाँ भैया। अरे तू रो रहा है? अरे हम तुझसे दूर थोड़े ही हैं, तेरे पास ही तो हैं। देख अपने इस इमोशन को ना अपनी ताकत बना, मंजिल सिर्फ हमसे एक कदम आगे है। यू हैव टू विन। आई लव यू भैया। आई लव यू टू करण। टेक केयर। ओके बाय। लुका मैच फिक्स करना चाहता है। मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी बलदेव। वही गंदगी, कुछ भी तो नहीं बदला। पिछले 30 साल से जिस ह्यूमिलेशन में मैं मरता आ रहा हूं, उसी को कुरेदने चले आ रहे हैं ये। नो, नेवर। एवरीवन कॉम डाउन। यू नो कोच, आई डोंट नो व्हाई यू सो बेन आउट ऑफ शेप। I mean, after 30 years, I think you would have learned your lesson. To cheat? To disgrace the sport? Luca, I told you earlier also, don't disgrace the game. Look, man, whatever you're today, it's because of millions of sports lovers and don't... Cut the crap, all right? We're no moralistic gods here, okay? I mean, you guys are taking this sport way too seriously. I mean, boxing is a game. People come, watch, drink, and then go. It doesn't matter who wins or loses. The only thing that matters is the money. Because no one would put ourselves through what we go through if it wasn't for the money. That is why we fight. I fight for the pride of my country. मैं अपने देश के सम्मान के लिए लड़ता हूँ। साला मेरे बेटे से डर गया। What do you say? Don't know. पहले एक हिंदुस्तानी को समझ लो, हिंदी अपने आप आ जाएगी। I mean to say, you are scared of my son. I'm scared of your son. They call me Luca the Killing Machine. They call my son the Miracle Boy. Only a fool believes in miracles. Just pray to your crores of gods that the anger that I feel right now doesn't meet your son in the ring. Because after all, I can afford to lose money. But you may lose everything. And gentlemen, the wait is over. The time has arrived. After 2 years of boxing with God. Keep your cool head. Now open your palm. Stretch. Like this. But let's not forget the Miracle Boy. Ehsan? हाँ? ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या बात है? तुमसे कहा था ना बॉटल में पानी तुम खुद भरोगे। अरे वो तो अपना ही आदमी है। कोई आदमी यहाँ अपना नहीं। यार, you just leave that alone, please. क्यों भूल जाते हो मेरे साथ क्या हुआ था परसों पहले? इस तरह पानी के अंदर ड्रग मिलाकर मुझे डोपिंग का इल्जाम लगा दिया था मुझ पर, और तुम चाहते हो यही बात करण के साथ हो? I'm sorry, यार, मैं खुद भरता हूँ। चलो तुम्हारे सिवा मुझे किसी पे भरोसा नहीं। अगर तुम नहीं कर सकते ना तो मैं खुद कर लेता हूँ। क्या बात है बलदेव, क्या हो गया तेरे को? What's your problem? एक गलती हो गई है एहसान। क्या? उस दिन उस साले को मैं हाँ कर देता और रिंग में वही करते जो हमें करना चाहिए था। I provoked him unnecessarily. उसको एक वजह दे दी मैंने लड़ने की। पापा, I have a bigger reason to fight. शाबाश। I love you, my son. And here he is, a miracle boy. Sapna pura hai karna. Dil mein. Thank you.
champion, the killing machine, Luca Gracia. Undefeated in 48 bouts, 34 by way of knockout. He has never been knocked down, the one and only heavyweight champion of the world, Luca Gracia, the killing machine. Luca! We want blood! We want blood, Luca! We want blood! Tonight, you guys are gonna witness a hell of a fight! I'm gonna take this kid's blood! And mop the floor with it! Yeah, I'm talking to you, boy! You hear me? Luca! 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 All the people are here! Indian, Pakistani, Bangladesh, Chinese, people from all over Asia, all over television sets, cheering for Karan! It's truly East against West. You forget, Luca's got the world. In the last two bouts, he's killed two opponents. Who would dare challenge him? The champion of the world, Luca Gracia, the killing machine. Books. And here we go with the opening bell. Immediately the champ comes out. Misses with a wild left and a right. Karan, bobbing and weaving. Sticking his jab, he gets pushed into the corner. The champ puts on the pressure. A right and a left. He misses. Good job of dancing out of the way for Karan. But he takes a right to the jump. And then a left. Another right. The champ poured up. But he counters. Karan counters. And then a left hook. Good job. The champ is hurt. The champ wants more. He is not pleased. And neither. Hey. We hit like a girl! Show me what your father taught you! Come on! I remember you didn't have a left hand. Now I don't have a left hand. Hit me! Come on, hit me! Look everybody, one arm! I got one on! Woo! 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 Come on, hit me! Woo! Yeah. Yet, Dave, this miracle boy, it looks like he's going to get up. He's got something, I tell you, Dave. Get up! 3, 4, 5, 6, 7. Yeah! Yeah! Dave, what did I tell you about this boy? He's back up, and what's he doing to the champ? He's facing him off. Bunch of rapid champs with two kidney blows as the round ends. And Gracia looks very confident. What are you doing? You're playing with him like a cat and mouse. You don't need to play with him like that, all right? बहुत शुरू आदमी है वो. तुम्हारा स्टैमिना खत्म कर रहा है बेटे. पर वो माथा ना से. Fight. Let's box. We're dancing around, exchanging punches. The champ, not intimidating. This kid's got some fight. And then a hard right to the jaw. He hurt the champ. Karan comes back, blocks it. Back to the body goes the champ. Another body shot. If I'm
करण, करण, आर यू ऑलराइट माय सन? ठीक हो ना? पानी 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 हैव सम वाटर. Be strong, my son. Be strong. We have to win. What are you doing? The fact that he's still over there standing is an insult to you. What are you doing? Kid is good. What the? You want to join his fan club? You want to make sweet love to him? You have to win this match. Come what may. You have to win this match. For me, for your mother, for country, for everybody. What are you doing? If you do want, you can pull him down, Luca. Don't let his champ, Luca. It is. 11 rounds with the world heavyweight champion and still come out breathing. Box. Here we go with the 11th of the champ. This is the wild right. And here comes Correa. He comes to the right. Miracle boy, my son. Karan Singh Chaudhary. Aise bete maa sadiyon mein paida karti hain. You have done it. Aakhri round hai bas. Aakhri round bhi jeetna hai. Bete, tum ek aisi history likhne ja rahe ho, jo aaj tak Hindustan mein koi likh nahi saka. Give me that. What? Give me that. Champ, you don't need that to win. I don't want to win. I want to kill. And final round. Never has a champion gone this far in a fight. And here we go.
बॉक्सिंग का मैच अब एक पहेली बनता जा रहा है, विश्वसनीय सूत्र। How can you say that? अंकल कितने ऐसे केसेस हो चुके कि ऑलमोस्ट पूरा लिवर डैमेज हो जाने के बावजूद भी पेशेंट्स हैव सर्वाइव्ड। डॉक्टर नील्स केस इन न्यू जर्सी, वहां तो पेशेंट का लिवर डैमेज 85% तक हुआ था, फिर भी पेशेंट बच गया। आई मीन देयर मस्ट बी समथिंग वी कैन डू टू हेल्प करण। यू आर द स्पेशलिस्ट, द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। दैट्स इट, बी रियलिस्टिक, यू आर फैमिलियर विद द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस केस। द ब्रोकन रिब हैज पीस्ड इनटू द लिवर। नंदिनी बेटा, यू नो वेरी वेल इंटरनल ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, एंड बिगर कॉम्प्लिकेशन इज दिस कि करण अभी तक कोमा में है, और जब तक करण कोमा से बाहर नहीं आता, हाउ कैन वी प्रेडिक्ट अ प्रोग्नोसिस? आप कहना क्या चाहते हैं, मेरा भाई नहीं जिएगा? नंदिनी, करण जिएगा, जिएगा वो। सूरज, सूरज, करण तू जिएगा, जिएगा, जिएगा। करण फाइट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, तो क्या करण के कोच पिता ने सिर्फ अपने सपनों को? हाँ माँ। हाँ पुत्र, करण कैसा है? ठीक है माँ। तो फिर ये टीवी वाले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं वो? माँ माँ, वो तो हमेशा झूठ बोलते हैं माँ। तू मेरी बात करा करण से। तू मेरी बात क्यों नहीं करा रहा उससे? माँ वो सो रहा है। माँ वो सो रहा है। माँ वो उसे, उसको नींद का इंजेक्शन दिया, जैसे उठेगा वो बात कराऊंगा। माँ तू झूठ बोल रहा है। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ। तू झूठ बोल रहा है, मेरी बात करा बाबूजी से। फोन दे पापा को। For last two days he has not moved from here. Ehsaan, Baldev kahan gaya? Kya hai ba? आखिरी राउंड है, बस ये राउंड भी जीतना है। बेटे बेटे, तुम एक ऐसी हिस्ट्री लिखने जा रहे हो जो आज तक हिंदुस्तान में कोई लिख नहीं सका। फाइट इट एज इफ देयर इज नो टुमारो। Hit him back!
अंकल, तू आ गया बेटे, तू मेरे लिए आया था, आ मेरे पास, बेटे, सब कुछ ठीक जा रहा था, करण हावी था उस पर, आखिरी राउंड में पता नहीं क्या हो गया, उसके पंच उस तक पहुंच नहीं रहे थे, लगता था अभी गिर जाएगा, मैं चाहता तो टावल फेंक कर मैच रुकवा देता, लेकिन मेरे स्वार्थ ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। करण को बचा लो बच्चे, करण को बचा लो। पापा, करण ठीक हो जाएगा। करण को बचा ले। करण ठीक हो जाएगा पापा। कुछ हो गया ना? कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा पापा। कुछ नहीं होगा। करण को बचा ले बेटे। ये लोग मेरे साथ करना चाहते थे। मैंने इनकार किया तो जरूर करण के साथ उन्होंने कोई फाउल प्ले किया है बेटे। क्यों ले आया उसे? मैं पापा इस गेम का कभी अपनी जुबान पर नाम नहीं लूंगा बेटे। बस करण को बचा लो। करण को बचा लो। करण ठीक हो जाएगा पापा। वो ठीक हो जाएगा ना? ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा पापा। एक ओंकार रखना, करता हूँ रखना, निर्भय emergency. Auntie ji, Karan Osh mein aa raha hai. मेरे बेटे, सॉरी पापा, सॉरी पागल, सॉरी फॉर व्हाट? मेरा शेर बेटा है तू, आई लव यू। देयर आर टू मेनी पीपल इन हियर, लेट मी हैंडल दिस जॉर्ज। आई लव यू। एक्सक्यूज मी, जीते रहो बेटे। एक्सक्यूज मी, हमें अर्जेंट कुछ टेस्ट करने हैं, आप लोग प्लीज बाहर जाइए। ओके डॉक्टर, ओके ओके। भैया लोका, उसने मेरी आंखों में कुछ डाल दिया था, मैं कुछ नहीं देख सकता था। Support. Very well. Very well. I'll see you guys next fight. Ruka, have you cheated in the match? Who said that? I said it. You are a cheat. Are you crazy? You have put grease in the eyes of my son. What proof do you have? Where's your proof, huh? If I had the proof, you would have been behind the bars. Look who's talking, huh? You calling me a cheater? You people don't even know how to lace up the gloves. I'm not the cheater. You're the cheater. This man's accusing me of cheating. This guy has a 15-year ban for doping charges, and he's calling me you a cheater. You greedy dog. You can't do. Fix the match with me. तूने मेरे पापा का छुआ कैसे? हाँ, मेरे
को छुआ कैसे तूने? How dare you touch him? अरे तूने मेरे पापा को छुआ कैसे? छुआ कैसे तूने? How dare you touch him? How dare you? I will kill you. मार दूँगा तुझे मैं यही मार दूँगा तूने. I'll kill you. I'll try to get. Let's go. मैं तुझे यहीं काट दूंगा इधर अभी. I will kill you. I can kill you right here, but I'm no emotional fool like you. Take the law in my own hands, but I'll kill you in the ring, and I'll make it official. Good, good. बहुत अच्छी बात बोली तूने. रिंग में ही मारूंगा तुझे, क्योंकि वही मुझे अपने भाई का हक जीता है, उसकी बेल्ट, मेरे डैड का ऑनर, और मुझे सुकून मिलेगा तेरी मौत से जब मैं तुझे मार दूंगा. And that will be official, official. Official death. Yeah. अंगद, ये क्या क्या कर रहे हो बेटे तुम? हाँ, तू बॉक्सिंग करेगा उसके साथ? नहीं बेटे, हम बॉक्सिंग नहीं करेंगे. हम लड़ेंगे उसके साथ. I'll drag him to the court. ये आप कह रहे हैं पापा? आपको इंसाफ मिला? नहीं ना अंगद, हम उसके साथ बॉक्सिंग में नहीं जीत सकते. He's a world champion. और तुम्हें बॉक्सिंग छोड़े कर्सा हो गया बेटे. और ये कोई सड़क पर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है. I know it's boxing, पापा. Boxing needs stamina. I have stamina. You have stamina? Come. Come on, show me. Let me see, कितना stamina है तुम्हारे अंदर? बस निकल गया तुम. 12 punches में ये हालत है तुम्हारी. 12 round कैसे लड़ोगे उसके साथ? पापा, मेरे पास एक महीना है. मैं प्रैक्टिस करूंगा. एक महीने में वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी नहीं हो सकती बेटे. I will do it, पापा, I will do it. Don't talk like a child. अरे तेरी उम्र में आके तो बॉक्सर रिटायर हो जाते होंगे पापा. मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी ने मेरे भाई को चीटिंग से हराया. That's all. अंकित, तूने क्या मेरे खिलाफ जाने की जिद पकड़ रखी है? मेरा एक बेटा मौत से जूझ रहा है. मैं दूसरे को मौत के मुंह में कैसे भेज दूं? बेटे तो नहीं लड़ेगा बेटे. For God's sake, don't fight. Don't fight. I will fight, Papa. You won't. I will fight, Papa. You won't. I will fight. You won't. I will fight. Shut up. I will fight. Go ahead. मरो. मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे. डाई डाई. बाबूजी, सिमरन, बहुत बेबस हो गया मैं. आई डोंट वॉन्ट टू लूज हिम. अपना सिंदूर बचा सकती है बेटी तो बचा ले. बस अंगद, बस बहुत हो गया. यू आर नॉट गोइंग टू फाइट. आपको आर्यन की कसम है. अंगद, कुछ और कहना है तुम्हें? कुछ कहना है? यस. क्या आपके पापा को कोई हरा सकता है? नहीं. तो फिर मेरे पापा को कोई कैसे हरा सकता है?
बेइज्जती है ये लड़का। तेरा ही तो बेटा है। सबसे पहले तुम्हारा स्टैमिना ठीक करना पड़ेगा। वो टावर देख रहे हो वहां, वहां पहुंचना पड़ेगा नॉन स्टॉप। You gotta succeed, you gotta hit that high. There's no turning back, it's do or die. Don't look left, yeah, don't look right. Give it all you got with all your might. You've chosen the way, you've chosen the road. Put your foot forward now, follow the code. And once you reach there, your destiny will be right in your face, glorified you'll be. Come on, Papa, come on! You gotta survive. You gotta hit the bullseye. You gotta hit the bullseye. Yeah! Not bad. 2 hours 10 minutes में तुम पहुंच गए। 30 minutes में कर पाओगे, तब लुका का स्टैमिना तुम मैच कर सकोगे। Give it all you got, now don't stop, don't look back, just give it all you got. You got the fire, that desire, burn your engines to get much higher. 1 hour 48 minutes. You gotta survive. You gotta hit the bullseye. I don't need these shots. Hit back. Run the race, feel the air now in your face. Come on faster, and it will last ya. Yes, hold on, your Mama. Is the answer. हिम्मत कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन शरीर तो शेप में आने में अपना समय लेता ही है। बलदेव ठीक कहता था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी 1 महीने में नहीं हो सकती। बॉक्सिंग के इतिहास में बहुत बड़े घमासान हुए हैं, पर इतनी उत्सुकता शायद ही पहले कभी देखी गई। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इस घमासान पर है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच नहीं है। ये लड़ाई है एक भाई की अपने भाई के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए। ये लड़ाई है एक पुत्र की अपने पिता को न्याय दिलाने की। हैरत की बात। I'm sorry, हमें immediately कुछ टेस्ट करने हैं। क्यों? तुम्हारे ब्लड में कुछ जॉन्डिस के ट्रेसेस मिले हैं। We have to do some scans right away. Can't we wait for 2 hours? Let me watch the match, please. मिस्टर की समझ में ये बात नहीं आएगी कि वो मेरे बेटे को मार देना चाहते हैं। It's not a match, it's a killing game. चौधरी साहब, आपने कभी भी अंगद का किसी चीज में साथ नहीं दिया, लेकिन आज आपके बेटे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चौधरी साहब, आप ही उसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो फिर बैठे रहो, इंतजार करो कि तुम्हारे वड्डे पुत्र दे नाल भी वही होवे जेड़ा तुम्हारे छोटे दे नाल होया। रब ना करे। पापा चल पूजा तुर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम टू सेंटर रिंग ब्रदर ऑफ द मिरेकल बॉय अंगद चौधरी सिंह। Plenty of people hoping and praying, weight of the world on this man's shoulders. Pride, honor, determination, revenge, all of that a factor here. Oh, feels like a funeral in here tonight. We can hear a pin drop. I feel like I'm at a funeral, not a fight, Dave. Yes, well, there's a lot of people very concerned about the welfare and safety of Angard tonight. Angard, 85% of people polled believe that tonight
You are either going to be killed or maimed badly. Everybody is scared to death for you. What have you got to say to them? Means 85% people are praying for me. So, how can I die? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਇਸ ਜੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ Move aside. Move back. Back a bit. You heard? That's it. I'm not gonna melt in 30 seconds. Luca, listen to me, baby. Tonight, all eyes are on you. You're a champion. Fight with honor. Everyone knows what that man is fighting for. So now ask yourself, what are you fighting for, Luca? See the Luca you know. I love you. I love you. Let me introduce you to the man, the killing machine, the undisputed heavyweight champion of the world, Luca Garcia. Save my life. I've come to take yours. I've come here to kill you. Let's fight. Ten seconds. Go!
Go to your corner. That was a clear foul. You can't do that. His credibility questioned, and it will be again. But he's sending a message. He will not be beaten on this day. Luka ko pehle round mein girakar tumne itihas bana diya hai. All right, compose yourself. Yeah. Are you composed? All right. Man, I'm fine, man. Are you okay? Yeah, beta. Papa, one more punch and it's gone. Yeah. Don't come to the corner, okay? Dogs! In the ring. Your husband? Yeah. You can go. Good luck. Hey! You come again? Papa! I told you not Papa! To come here. Papa! Huh? Papa! Stay cool. I've never seen a spectacle like this before, Amanda. Papa, listen, Papa! Alright, get home. Arya! Papa! Please put him down. I said, don't go near the ring. You understand me? No, I'm sorry. I'm sorry. Arya, do you want to win this match? Yes. So, don't go to the corner of the ring. But I have to go. No, son. They disqualify him. Please, sweet. Against the Miracle Boy. And can you believe it?
think Engard is looking particularly bad. And I think the experience of Luca might start to come to the forefront. अपने तो अपने होते हैं। You gotta survive. You gotta hit the bullseye. You gotta survive. You gotta hit the bullseye. You gotta hit the bullseye. Come on, champ. Get back in there. All right. You got one more round and you can put him down. No problem. Do it, champ. Cut me. Cut me. Give it to me. Second out. Give me a second, please. Please. Let me have a look. He cannot fight like this. He will fight. He cannot. He cannot see. Shit, champ. You're gonna win, man. I will give this fight to Luca. He cannot. In there. Champ, you want it? He's got one round left in this world heavyweight bout. Winner take all. Close. No. Points. I have another one. It's so close. What's going to happen? Fuck. Get up, Hayo! Get up, Hayo!
Meet Karan! आज का दिन बलदेव की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, तो दूसरी तरफ डॉक्टर! ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हेपेटाइटिस बी हो जाने की वजह से करण का लिवर कलैप्स हो गया। अब उसे जिंदा रहने के लिए एक नए लिवर की जरूरत थी। तो मेरे लिवर का हिस्सा ले लो, कम ऑन डॉक्टर। लेकिन आपका ब्लड ग्रुप करण से मैच नहीं होता, फिर आपका लीवर का हिस्सा हम कैसे यूज कर सकते हैं? डॉक्टर, मेरा और करण का ब्लड ग्रुप एक है, आप मेरे लीवर का हिस्सा ले लीजिए। बलदेव जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इस उम्र में हम आपका ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं? वी कांट रिस्क योर लाइफ। हर गुजरते दिन के साथ बलदेव की बेचैनी बढ़ रही थी। काफी दिनों तक लीवर नहीं मिला और अपने बेटे को इस हालत में देखना उसके लिए हर रोज एक मौत के बराबर था। इसलिए बलदेव ने अपनी जान देकर अपना लिवर देने का फैसला कर लिया। और बलदेव अपने बेटे करण से आखिरी बार मिलने के लिए अस्पताल पहुंचा। पापा, पूजा कितने सी ये ले गुरुद्वारे गए थे? हाँ बच्चे, तुसी फिकर ना करो, करण ने ठीक हो जाना। हाँ करण ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। हंसेगा, खेलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, एक भरपूर जिंदगी जिएगा वो। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगा। करण, क्या हो करण, कहाँ ले जा रहे हो इसे? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? Doctor, call it out, sir, wait, you can't go in there. Your son will Papa, be fine. Is he all right? Papa. Please tell me. Papa. Tell me. Papa. Karan, ठीक है ना? ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। Papa, हमें डोनर मिल गया, Papa. हमें डोनर मिल गया. लिवर मिल गया. रब ने बलदेव की सुन ली और दुनिया के कोने कोने से अपने हीरो की जान बचाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने लिवर का हिस्सा देने की ख्वाहिश जाहिर की और अल्लाह की मेहर हुई कि लिवर मिल गया। सच, दुनिया का सबसे बड़ा राइटर ये ऊपर वाला है। हमारी जिंदगी की कहानी में कब क्या मोड़ ले आए ये वही जानता है। पल भर के लिए और देर हो जाती तो आज बलदेव हमारे बीच नहीं होता। खुदा भी इतना प्यार करने वाले अपनों से अपनों को जुदा कैसे करता? क्यों जी? सात जन्मों का साथ मांगकर बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। मारो कुसुन। हाँ मार, ले मार। रावी मेरी जगह तुम होती
तुम भी तो यही करती ना पापा। बेटे बेटे, माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए सदियों से करते आ रहे हैं। बच्चे माँ बाप के लिए कुछ कर जाएं, जैसा तुम दोनों ने किया है, आज की दुनिया में वैसा बहुत कम होता है। I'm proud of you. I'm proud of you, my sons. I'm proud of you. अपने तो अपने होते हैं। अब, आसो।